ठीक है, अब जो ये इस कैटेगरी के सवाल हैं इसमें बेसिकली तुम्हें बाइनोमियल का इस्तेमाल तो करना होगा, बट हर जो इंडिविजुअल टर्म रहेगी वो अलग अलग सीरीज़ की टर्म रहेगी, समझे। जैसे इस पर मैं पहला सवाल तुम्हें बनाकर दिखाता हूँ, मतलब उसमें लेट्स से एक बाइनोमियल कोफिशिएंट रहेगा तुम्हारे पास, वो एक अलग सीरीज़ का रहेगा, दूसरा बाइनोमियल कोफिशिएंट अलग सीरीज़ का रहेगा। तो इस बार सीरीज़ का समेशन करना होगा हम लोगों को, ठीक है, सीरीज़ में डील करना पड़ेगा पहले, ठीक है क्या। तो सवालों को कर कर देखते हैं एक एक करके तेज़ी से। जैसे अगर मुझे सम ये निकालने के लिए कहा जाए आर इक्वल्स टू ज़ीरो से एन, है ना, एन प्लस आर सी आर, ये मुझसे कहा जा रहा है सवाल को करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली ये देखो सवाल क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, दिस इज सी ज़ीरो प्लस, इसका सॉल्यूशन है ये, ठीक है, दिस इज सी ज़ीरो प्लस सी वन प्लस सी टू, ऐसा एन प्लस एन सी एम, ये चीज़ होगी। अच्छा, अब बड़े ध्यान से देखो, दिस इज़ व्हाट, दिस इज इसको अपन सी ज़ीरो है ना, इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा रंग रोगन कर लेते हैं इसका, देखो इधर कैसे, इसको ऐसा लिख लो एन सी एन प्लस एन प्लस वन सी एन प्लस एन प्लस टू सी एन, ऐसा एन प्लस एन यानी टू एन लिखो, ठीक है, चलो ऐसा। तो ऐसा इसीलिए किया ताकि यहाँ पर सब जगह सेम नंबर आ जाए, देखो दिख रहा है, समझ रहे हो, ये हर जगह सेम चीज़ आ गई है। अच्छा, अब देखो जो मैं करना चाह रहा हूँ, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन, इन वन प्लस एक्स की पावर एन, समझ गए। और ये जो चीज़ है दिस इज़ ऑल्सो द सेम थिंग बट इन वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस एन, दिख रहा है, ये भी वही सेम चीज़ है, दिस इज़ ऑल्सो कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन इन वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस टू, ऐसा, ठीक। और इसी तरह से ऐसा चलते हुए तुम देखो, ये दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इन वन प्लस एक्स की पावर टू एन, ऐसा। तो मैं इस चीज़ को पूरे मसाले को ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इन वन प्लस, है ना, एक्स की पावर एन प्लस वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन, ऐसा अप टू वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस एन यानी कि टू एन, ठीक है। दिस इज़ अ जी पी, किस तरह की जी पी है, दिस इज अ जी पी विथ फर्स्ट टर्म वन प्लस एक्स की पावर एन, कॉमन रेशियो कितना हो गया भाई इसका वन प्लस एक्स, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, देखो जीरो से काउंटिंग शुरू हो रही है एन तक जा रही, तो नंबर ऑफ टर्म्स आर एन प्लस वन, नंबर ऑफ टर्म्स इज एन प्लस वन, ठीक है। ये डेटा है मेरे पास इस जी पी के लिए, ठीक है। अच्छा, तो जी पी को तो इवेलुएट तुरंत कर लेते हैं भाई, इसका मतलब कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन इन कहाँ पर, इस जी पी में। अब जी पी कैसी है, जी पी है अपने पास ए यानी कि फर्स्ट टर्म आर की पावर एन वन माइनस, ऐसा लिख लेते हैं, अच्छा ठीक है, आर की पावर, आर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, क्या बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, ये क्या हो रहा है फिर, देखो ये वन और वन सरका ही लेते हैं, ठीक है, अच्छा। और नीचे बच रहा है तुम्हारे पास, नीचे बच रहा है x, ठीक है, इसको भी ठीक करना पड़ेगा, इसको ऐसा करो,
अपने को कायदे से ऐसा निकालना पड़ेगा। देखो कोफिशेंट ऑफ एक्स की पावर एन ढूंढ रहे हैं ना अपन ऊपर से, ठीक है, ये अच्छा सवाल है। और मैं ऐसा उम्मीद मतलब क्या मतलब कैसे मतलब ये एक इंसान फर्स्ट टाइम में बना ले वो कठिन है उसके लिए, ठीक है क्या। तो देखो इधर नीचे, अब जैसे मेरे पास एक्स की एक्स बच रहा है तो ये काम हम लोगों ने ऐसे पहले भी किया है। अभी जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये पूरा मसाला ये ना, इसमें से अगर मैं एक्स की पावर एन प्लस वन की कोफिशेंट ढूंढूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो इसको ऐसा कर लेते हैं, कोफिशेंट ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन इन वन प्लस एक्स की पावर एन वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस वन, ऐसा समझ गए। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, कोफिशेंट ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन इन वन प्लस एक्स की पावर टू वन प्लस वन माइनस वन प्लस एक्स की पावर एन, ऐसा लिख सकते हैं अपन। दिस इज़ अ गुड बायनोमियल प्रॉब्लम। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा टू एन प्लस वन सी एन प्लस वन माइनस एन, अच्छा उसमें तो रहेगा ही नहीं, ये तो हटा दो, इसमें तो इसमें तो इसमें तो डज नॉट हैव है ना एक्स की पावर एन प्लस वन, तो उसके कोफिशेंट की बात ही नहीं आती है, वरना अभी अभी वश्रेन ने निकाला था, सर आपने तो फोर सी फाइव लिख दिया था, वही अभी फिर से अगर मैं ऐसा लिख दूंगा तो अनर्थ हो जाएगा। एन सी एन प्लस वन ये तो नहीं है ना, ये तो है ही नहीं अपने पास, ठीक है, ये तो कोफिशेंट ही नहीं है अपने पास, होता तो अच्छा रहता, अब है नहीं तो क्या करें। तो दिस इज़ अवर आंसर, ठीक है, तो ये मेरा आंसर रहेगा, दिस इज़ माई आंसर, ठीक है बात। दिस इज़ माई आंसर, ठीक है बात, अच्छा।